क्या आपको पता है हिबिस्कस फ्लावर जिसे हम रेड रोज़ कहते हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मात्रा में वाइटमिन सी होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपके बालों को डीप कंडीशनिंग करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड यानी दो मुहे बाल हैं, बालों में किसी भी प्रकार का डैमेज हो रखा है, उन सारी चीज़ों को सब्साइड करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप यू गाइस आर वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ बात करने को आई हूँ हिबिस्कस फ्लावर यानी जिसे हम हिंदी में गुड़हल का फूल या फिर इंग्लिश में रेड रोज़ल के नाम से बुलाते हैं। जी गुड़हल का फूल जो होता है बेसिकली रेड कलर का आता है, ये दो से तीन टाइप का होता है, लेकिन जो मोस्टली बहुत कॉमनली जो मिलता है वो है वो एक होता है जिसमें तीन से चार पंखुड़ियाँ होती हैं, डंडी सी निकली होती, और एक होता है जो गुच्छों में पंखुड़ियाँ होती हैं। तो आपको जो भी अवेलेबल हो जाए वो आप ले सकते। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बालों में इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको किस प्रकार यूज़ करके आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट कंडीशनिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है या बाल बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल वगैरह हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर है, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो उसको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिबिस्कस फ्लावर यानी कि जिसे हम रेड रोज़ल बुलाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत एक फूल होता है, बेसिकली आपको हर एक एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका जो इसका जो वर्णन है आपको आयुर्वेद में भी मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत प्राचीन यानी पुराने समय से, आयुर्वेदिक समय से बालों को सुंदर बनाने के लिए यानी बालों को चमकदार लंबा काला घना बनाने के लिए यूज़ होता है। ख़ास करके इसमें बालों को कंडीशनिंग करने की यानी आपके बालों को चमकदार और मुलायम बनाने की खास क्षमता होती है। अगर मार्केट वाले प्रोडक्ट की बात की जाए, आप कोई भी हेयर मास्क, हेयर सीरम, हेयर क्रीम लेने जाओगे जो कि खास करके आपके बालों को स्मूथ सॉफ्ट बनाते हैं, तो उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ोगे ध्यानपूर्वक तो वहाँ पे आप हिबिस्कस फ्लावर का यूज़ देखोगे, हिबिस्कस पाउडर का यूज़ देखोगे, तो ये इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आपके हेयर फॉल जो कि आपके बालों को किसी भी प्रकार के डैमेज से रोकता है। सेकेंडली आपके बालों को कंडीशनिंग करता है, क्योंकि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी रूखे सूखे बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, कंघी करने के टाइम पर आपको बहुत यानी डर लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे, तो आप मार्केट वाले कंडीशन देखिए हम यूज़ करते हैं, तो आफ्टर शैम्पू जब हम उसको यूज़ करते हैं तो थोड़े समय के लिए तो ऑफकोर्स हमारे बालों को स्मूथ बनाते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने बालों को बिना किसी कंडीशनर के स्मूथ और सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप हिबिस्कस का या फिर गुड़हल के फूल का कई तरह से इस्तेमाल अगर अपने बालों में करते हो तो आपके बालों को ये नेचुरली स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके साथ ही साथ इसमें आपके बालों को स्मूथ बनाने की कंडीशनिंग करने की क्षमता होती है, ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये अगर आपके बाल दो मुही हैं तो उनको भी ठीक करता है, इसके साथ ही साथ आपके बालों को पोषण भी देता है, यानी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। तो दोस्तों ये तो रहा इसके बारे में पूरी जानकारी, अब हम बात करते हैं कि आपको इसको किस प्रकार यूज़ करना है। देखिए अगर ख़ास करके आप इसका कंडीशनर भी बना सकते हो, इसके ऑयल भी आते हैं मार्केट में हिबिस्कस युक्त यानी गुड़हल के युक्त, आपको मार्केट में शैम्पू सीरम ऑयल बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन आपको ऑफकोर्स किसी अच्छे ब्रांड का, उसके साथ ही साथ हो सके तो ऑर्गेनिक या हर्बल चूज़ कीजिएगा अगर उसके बाद। लेकिन जो दूसरा तरीका है जो बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, बहुत ही बेनिफिशियल है एंड जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो यानी उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होगा, तो वो क्या है, आप घर पे इसके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। सबसे पहला तो आप इसका ऑयल बना सकते हो, हिबिस्कस ऑयल कैसे बनाना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे आप देख के वहाँ पे बना। एंड जो सबसे इजी जो तरीका है वो क्या है, आज की भी रेमेडी हम देख लेते हैं, हमें उसको सबसे इजी जो तरीका है तो यूज़ है, आप इसके तीन से चार फूल लीजिए, पत्तियाँ अवेलेबल हो जाए तो उसको भी आप ले सकते हो, उसके बाद इसको कूट के उसका जूस निकालना है या फिर आप मिक्सर जार में उसको डाल के उसका पेस्ट बना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप उसका जूस निकाल लेना है थोड़ा सा। अब आपको इसमें एक चम्मच नारियल का तेल आपको मिक्स करना है, बाकी जैसे हम ऑयलिंग करते हैं वैसे आपको पूरे बालों में टिप से लेके रूट तक अच्छे से अप्लाई करना है, बाद में इसको छोड़ देना तकरीबन आधे घंटे, ये चीज़ आपको शैम्पू के पहले करनी है। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है,
जब आप पहली बार इसको यूज़ करोगे, जब भी आप इसको यूज़ करते हो, तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर से अपने बालों को वॉश करना है। उसके बाद आपको अगले दिन आप कोई भी शैम्पू जो भी आपके लिए अच्छा है आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लगातार आपको कम से इसको इसके जूस को बना के आप दो बार यूज़ कर सकते हो, उसको आपको फ्रिज में स्टोर करना है। उसके बाद ही इसके अलावा इसको हफ्ते में कम से कम दो बार यूज़ करना है। लगातार आप 2 महीने तक इसको यूज़ करके देखिए, विश्वास कीजिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले, इतने इसके गज़ब के रिजल्ट हैं। चीज़ अगर आपकी स्किन या फिर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है, यानी आपने कभी भी इस टाइप की कोई रेमेडी पहले नहीं ट्राई की, प्लीज़ मेक श्योर पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। तो इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।